साइन हॉस्पिटल में बाहर मुझे रख दिया गया क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे मेरे और कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं था। ये रूल्स मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। हॉस्पिटल में कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं था, मैं वैसे ही पढ़ा था, अब मर जाऊँ कभी भी मर सकता था मैं। ठीक है वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ जो कि अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। जी उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ कट गया जिसकी वजह से वो अभी मतलब कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब हादसा उनके साथ कैसे हुआ। तो फिर मैं आपको उस यूट्यूबर से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है गाइस, तो गाइस ये है सैम्स भाई। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं यूट्यूब के अलावा। तो सैम्स भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले जो हमारे व्यूअर हैं उनको ये बताइए कि आप सिर्फ यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाते हैं या फिर और भी कुछ काम वगैरह करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं। तो गाइस स्टोरी बताने से पहले मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपने ब्लॉग्स में मुझे आने का मौका दिया। और काम की बात रहा तो यूट्यूब के अलावा मैं और कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह पर मैं जाकर काम के लिए अप्लाई किया लेकिन कोई भी काम देना नहीं चाहता है क्योंकि हाथ की वजह से। इनको कोई काम इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि इन्होंने कई बार ट्राई किया, कई जगह इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में सक्सेस भी हुए कई जगह, लेकिन क्या हुआ इनको ये बोल के कई बार कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इन्होंने अप्लाई भी किया, तो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किया, तो वहाँ पे ये बोल के हटा दिया गया इनको कि आपके पास ये आपका एक हाथ नहीं है तो आप टाइप कैसे करोगे, कैसे काम करोगे। आप इनकी एक हाथ देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल हैंड है और इसको जो 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 इसका कलाई होता है वो मूव करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें बैटरी लगाया जाता है, इसके बाद ये मूव होता है। तो ये सारा चीज़ कैसे हुआ सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो गाइस ये स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से नाखुश रहते हैं, ये सोचे कि हमारी जो लाइफ है ना बहुत हमारी लाइफ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देती है और इसके वजह से हम ऊपर वाले को गाली देते हैं या फिर अपनी फ्रेंड या फैमिली को गाली देते हैं और या खुद पर ब्लेम लगाते हैं और इसके वजह से आप आत्महत्या और सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से। लेकिन गाइस आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दूसरे को देखो जैसे फिर मुझे देखो कि अगर मेरे पास हाथ नहीं है और फिर भी मैं अपने लाइफ की रेस में दौड़ रहा हूँ अपनी कुछ ना कुछ ज़िंदगी को बनाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि गाइस आप लोग अपनी ज़िंदगी में नाखुश ना रहे, ज़िंदगी में खुश रहे और हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जो भी आगे जो भी होएगा वो पॉजिटिव होएगा, निगेटिव नहीं होएगा। तो अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है गाइज। और हाथ की बात रहा, एक्सीडेंट की बात रहा, तो एक्सीडेंट मेरा 2013 के नवंबर में हुआ था, 30 तारीख को रात को 9:30 बजे हुआ था। और एक्सीडेंट हुआ मतलब था मतलब कि लोकल मुंबई में हुआ, लोकल ट्रेन से आप गुजर रहे थे? मुंबई में लोकल ट्रेन से हुआ था, मुंबई में लोकल ट्रेन जैसे मैं थाने, अगर आप मुंबई जानते होंगे, मुंबई में गए होंगे कभी, तो वहाँ पे एक थाने जगह है, जगह का नाम थाने है। तो थाने में क्या है ना, तालाब पाली है, ठीक है। मैं थाने में क्लास करता था और तालाब पाली में ना क्लास करने के बाद 9:30 बजे मतलब आपकी जो स्टडी हुई है वो मुंबई में ही हुई है? हाँ मुंबई में, मेरी जो स्टडी मुंबई में ही हुई है। और मैं वहाँ पे थाने में क्लास करता था, ट्यूशन करता था 8 क्लास का। मैं जब तभी मैं 10 क्लास में चला गया था और 8 क्लास हो रहा, 10 क्लास में चला गया था मैं। और उस दिन मैं सोचा कि हम लोग क्या ना स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी हम लोग क्या पढ़ने के बाद से इन्जॉय करने के लिए कहने के घूमने चले जाते थे। उस दिन वैसे ही हुआ था, हम लोग ट्यूशन से निकल कर ना हम लोग तालाब वाली गए थे और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट किया और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए। थाने स्टेशन पे हम लोग ट्रेन पकड़े और फिर वहाँ से हम लोग मुमरा के लिए निकल पड़े। मुमरा मेरा घर था मुंबई में, मुमरा के बीच में और थाने और मुमरा के बीच में एक कलवा स्टेशन आता है। कलवा स्टेशन में मैं सोचा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा भरी रहती है, आप लोग अगर मुंबई में लोकल ट्रेन में जाइएगा ना, मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वैसे ही फेमस है अपने लाइफ स्टाइल के लिए और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। तो आप लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखोगे कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है कितनी भीड़ जाती है।
तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है लोकल ट्रेन में, जैसे ना बोरी के अंदर जैसे सामान कैसे जाता है ना, वैसे वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं। और सुबह और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा, तो मैं शाम का ही टाइम था, मैं आ रहा था, तो मैं सोचा कि कलवा स्टेशन पर भी पड़ा ना, तो मैं सोचा कलवा स्टेशन में पूरी पब्लिक थोड़ी निकल जाएगी ना, तो मैं चढ़ूँगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा साइड में खड़ा था, दरवाजे के साइड में खड़ा था, मैं सोचा कि पब्लिक निकल जाएगी तो मैं चढ़ूँगा। तो पब्लिक निकल गया, मैं जैसे चढ़ने गया ना, ट्रेन स्टार्ट हो गई, मेरे दोस्त लोग थे उन लोग भी नीचे उतर गए थे, उन लोग पहले चढ़ गए, उसके बाद लास्ट में मैं चढ़ने गया ना, ट्रेन स्टार्ट हो गई। और ट्रेन वहाँ के लोकल ट्रेन जो होती है ना, बहुत जल्दी पिकअप बना लेती है, जैसे चलना स्टार्ट हुई ना, वो आप स्टेशन का जो बोर्ड रहता है ना, जहाँ पे सब नाम लिखा रहता है स्टेशन का, वो स्टेशन का बोर्ड यहाँ पे लगा था, देख सकते हो निशान यहाँ पे लगा था, और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया था, और जो मेरे दोस्त थे निकल गए, छोड़ के मुझे निकल गए। आप समझ सकते हैं कि इनके जो क्लोज फ्रेंड है, जब इनका एक्सीडेंट हुआ, जब ये लोकल ट्रेन से नीचे गिरे, तो वो लोग इनको छोड़ के घर को निकल लिए। तो उस पीरियड में, मतलब कि आप जब बेहोश हुए थे, तो उस पीरियड में मतलब जो भी आया, कौन सा शख्स आया जो आपको उठा के अस्पताल पहुंचाया, उसकी तो मतलब बहुत ज़्यादा हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस काम के लिए कि उन्होंने ऐसा किया, आपको उठा के अस्पताल पहुंचाया। तो आगे की कैसे, उसके बाद क्या हुआ? जब मैं स्टेशन पे गिर गया था ना, और मुंबई में बचपन से ही रहा हूँ, और मुंबई में ना जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे पूरे दोस्त बैठे मेरे, आप अगर वहाँ पे जाइएगा ना, किसी भी पूछ दीजिएगा ना, मेरा नाम तो सब बता देंगे, लेकिन उस टाइम कोई काम नहीं आया। और वो कहते हैं ना, माँ बाप हमेशा समझाते हैं कि दोस्ती यारी कोई काम नहीं आने वाली है, 110% दोस्ती यारी काम नहीं आने वाली है। और जो बंदा, अगर इंसान आपको अच्छे लगे ना, दोस्त काबिल रहे ना, उसको दोस्त मत बनाओ, भाई बना लो, भाई खून का रिश्ता बना लो, क्योंकि दोस्त अच्छा नहीं है। मैं दोस्ती ज़्यादा करता नहीं हूँ, भाई बना लो उससे, ठीक है। और मैं उस दिन जब गिरा था मैं, तो दोस्त लोग छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक लड़का था हेमंत नाम का, वो जॉब करके आ रहा था होटल में से, ठीक है, जॉब करके आ रहा था, और मैं पड़ा हुआ था स्टेशन पे, वो भी खड़ा होकर देख ही रहा था, आधे घंटे तक एक घंटे तक मैं स्टेशन पे पड़ा हुआ था। और वहाँ पे क्या है ना, लोकल ट्रेन में ना 5 से 10 मिनट में ना एक एक ट्रेन आधी जाती रहती है, और मैं आधे घंटे तक पड़ा था, तो आज ट्रेन पे मेरे हाथ से बहुत सारे ट्रेन पड़ी चली आई गई। मतलब इनका जब ये ट्रेन से गिरे, तो इनका इतना कलाई पूरा इतना, ये इसके ऊपर ट्रेन चढ़ गई ऐसे, और ये कलाई अलग हो गया, हैंड इनका अलग हो गया। उस टाइम आधे घंटे तक ये पटरी पे गिरे रहे, बेहोश रहे, लेकिन पब्लिक सिर्फ वहाँ पे देखने वाली थी, कोई शख्स वहाँ पे इनका हेल्प करने के लिए नहीं आया। लेकिन एक शख्स आया, हेमंत एक नाम बता रहे, वो आए शख्स, उन्होंने हेल्प किया और इनको लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल क्या हुआ, हॉस्पिटल पहले तो उठाया हो, तो पुलिस वाला जो था वहाँ का स्टेशन का, वो बोलता है पहले इसका पंजा लेकर आओ, फिर लेकर जाएंगे इसको हॉस्पिटल में। तो बंदा पूरा जाकर एक एक उंगली लेकर आया मेरे लिए, एक एक उंगली, और फिर उसके बाद पुलिस को बोला, तो पुलिस ने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाया, उसके बाद वो खुद अपने ऑटो में लेकर मुझे बैठा, और उसके बाद लेकर गया शिवाजी हॉस्पिटल से मुझे रातों रात रेफ़र कर दिया गया, साइन हॉस्पिटल चला गया। साइन हॉस्पिटल में बाहर मुझे रख दिया गया, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे मेरे, और कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं था। ये रूल्स मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, हॉस्पिटल में कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं था, मैं उसी पढ़ा था, अब मर जाऊँ कभी भी मर सकता था मैं। लेकिन मेरा जो हेमंत ने फ़ोन किया सर को मेरे, वो सर आए और मेरे पेरेंट्स बन के सिग्नेचर करे, फिर जाकर मुझे एडमिट मिला उस हॉस्पिटल में। और मैं आज उसके वजह से ही ऐसा हूँ, आज जिंदा हूँ, नहीं तो नहीं रहता ना, तो मैं सच में मर गया रहता। और बाहर में कोई किसी का हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि ना बाहर में कोई, मैं अपने अपने से रेस में लगे रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कोई गिर जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं ना, फाइनली उसको उठा कर ना, मर गया रहता वहाँ पे, मैंने जला दिया। मैं खुद मुंबई में रहा हूँ, मैंने ये भी देखा है कि मैं भी ट्रेवलिंग कर रहा था वहाँ पे, तो एक दो बंदे गिरे थे वहाँ पे। तो वहाँ का सीन ऐसा है कि अगर आप ट्रेन से गिर जाते हैं और आपकी वजह से 10 मिनट या 15 मिनट ट्रेन लेट हो जाती है, तो उल्टा आपको लोग गाली देते हैं कि गेट पे ट्रेवलिंग करने की क्या ज़रूरत थी, इसकी वजह से हम लोग 15 मिनट लेट हो गए। तब जब आप हॉस्पिटल गए, तो कितने दिन के बाद आपका मतलब होश आया? और हॉस्पिटल के बाद से ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ के सिवान के ही एक, आप जानते होंगे शायद से, जो हेलीकॉप्टर से बरात आया था सिवान में, शायद से हेलीकॉप्टर से कोई बरात आया था, वो मेरे दादा के जान पहचान के थे, तो उन्होंने साइन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो छुट्टी पे थे, और वो गए ना, तो डॉक्टर भी आ गया हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल में, और मेरे लिए आया था वो डॉक्टर आकर मुझे ट्रीटमेंट किया, और मैं आज बच गया। और एक हफ्ते नहीं 3 से 4 दिन के बाद से मुझे होश आ गया। मुझे होश आ ही रहा था, बीच बीच में होश आ रहा था, लेकिन ब्लड नहीं था मेरे बॉडी में, ब्लड
और ब्लड नहीं था, इसकी वजह से मैं रह नहीं पाता था होश में, ज़्यादा रह नहीं पाता था। लेकिन दो दिन के बाद से मुझे होश आ गया, मैं देखने लग गया था, होश में आ गया था। और उसके बाद मुझे रेफ़र कर दिया, मतलब वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से, और मैं घर आ गया। और उसके बाद मैं 10th का एग्ज़ाम भी दिया मुंबई में, वापस जाकर वहाँ पर 10th का में एडमिशन था मेरा, तो वापस जाकर एग्ज़ाम दिया। तो लेकिन राइट हैंड से मैं लिखता था, तो लेफ्ट हैंड से राइटर को एक बैठाया गया, लेकिन मैं कुछ पढ़ा नहीं था तो मैं फेल हो गया। बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया तो फाइनली पास हो गया, 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, BSc में एडमिशन है मेरा। बट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या पता, देखते ऊपर वाला क्या चाहता है, और जो चाहता है अच्छा ही चाहता है। तो भाई का आगे का क्या प्लान है, आगे मतलब कि आप कैसे क्या लाइफ कैसे करना चाहते हैं? आप YouTube पे ही काम करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब वगैरह भी पाना चाहते हैं? मैं जॉब के लिए तो जाहिर सी बात है कि सबको जॉब चाहिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है लाइफ में। लेकिन मैं सोचता था ना कि मैं जब YouTube पे बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, मैं समझ रहा था YouTube कैसा है क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं लोग मुझे देखकर अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका समझे, मैं वो बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं YouTube पे आया। और काफ़ी लोग मुझे देखकर समझेंगे भी, और अपनी ज़िंदगी का जो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो देखते, बड़े बड़े यूट्यूबर का मोटिवेशनल वीडियो देखते, ज़िंदगी जीने के तरीके बताते हो, लेकिन बंदे सामने वाला आदमी वो मेरा वीडियो देखकर ज़िंदगी का जीने का तरीका समझेगा। और ये मैं यूट्यूब पे इसलिए मैं बनाया, यूट्यूब पे अपनी जो फैमिली बनाना चाहता हूँ यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ ज्वाइन होंगे, और मुझे देखकर उन लोग की ज़िंदगी मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आपको देखकर वो लोग मोटिवेट होंगे, हाँ, कि जब मैं कर सकता हूँ तो आपके पास तो दोनों हाथ है, दोनों पैर है, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक बार दिल्ली में भी कॉल किया था काम के लिए, लेकिन मैं बोला ना, वो मैं बात की तो बोले ठीक है जॉब है आ जाओ, लेकिन जैसे बोला ना मेरा हाथ नहीं है, तो बोला आपके लिए कोई काम नहीं है। तभी मेरा फील बहुत ज़्यादा हुआ दिल्ली में, जब भाई ने एग्ज़ाम जॉब के लिए अप्लाई किया था प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे इनको कॉल भी कर दिया गया, बुलाया भी गया, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के जो ऑनर ने इनको देखा कि एक हाथ नहीं है, तो इनसे बोला कि भाई कैसे काम कर पाएगा एक हाथ से, इनको फिर उन्होंने जॉब नहीं दिया और वो वापस गांव चले आए। फिलहाल अभी ये गांव में रह रहे हैं और ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई को जितना हो सके प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए, ऐसे बंदे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सोच सकते हैं कि भाई का एक हाथ भी हैंडीकैप्ट हो गया है, ये बचपन से नहीं था, ये तो पूरी कहानी आपने सुन लिया कैसे हुआ। तो आपको तेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई को सपोर्ट कीजिए, और भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और गाइज भाई को भी सपोर्ट करें, और इनका वीडियो मैं काफ़ी देखता रहता हूं। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। इस वीडियो के बारे में जो भी अपनी राय देनी होगी जाके कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और भाई को प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।